बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। एहतजाजी मौसम जो है वो काले बादलों की तरह, घटाओं की तरह बढ़ता चला जा रहा है और पूरे सियासत के आसमान को उसने लपेट में ले रखा है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से गरज और चमक और बादलों की गड़गड़ाहट आती है और तो कभी पीटीआई की तरफ से बादल जो हैं वो गरजते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। और जो हमारे वजीर आजम हैं या उनकी साहबजादी हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। और ये तो ये अगर आप देखें तो जो ट्वीट हुई है पिछले दिनों जो किया गया है डॉन लीक्स के ऊपर नोटिफिकेशन, तो वो बादल क्या, वो तो जलजले आ गए और भौचाल आ गए। अब पता ये नहीं चल रहा कि इस तरह का नोटिफिकेशन करने की जरूरत क्या थी और ये एहतजाजी सियासत का जो मौसम है ये क्या रंग लाएगा और इसके असरात जो हैं कम से कम तख्ते लाहौर वाले जो हैं उनके ऊपर क्या होंगे, आज का ये मौजू है। और मेरे साथ इन मौजूद पर शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब, आरफ के मोहताज नहीं है, सिविल सोसाइटी की जान है, वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एमपी है, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी है लोकल गवर्नमेंट के अब्दुल रजाक ढिल्लू साहब, बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए जी। जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, कायरा साहब ने आज जिस तरह की स्पीच फरमाई है, जिस तरह से वो एक उन्होंने कीता की ये वाला जुमला इस्तेमाल किया, वो बड़ा पॉपुलर हो गया है और आज हर जगह मैं जहां जहां से भी गुजरा हूं लोगों ने ये सवाल उठाया है कि कीता किए, जरा तुसी दसो जी कीता किए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और फिर आपके इदारे का भी कि आपने एक मेरे दरीना स्टूडेंट लीडर साथी को यहाँ बिठा दिया, तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हम एक ऐसे ग्रास रूट लेवल से आए हैं कि हम एक सियासत की नर्सरी से सीख के आए हैं। देखिए हमारे लिए तो जो आपने क्वेश्चन रेज की है या आज जलसे जुलूसों में जो गुफ्तगू होती है कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि ये हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स का हुसन है। और जो अलार्मिंग सिचुएशन जो आप कह रहे हैं वो ये है कि चूंकि इलेक्शन आने वाला है तो हर पार्टी अपनी तैयारी की कोशिश कर रही है, अपने जो नाराज कारकुनान उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल इलेक्शन स्टंट होता है। अगर मैं चूंकि उनके करीबी रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन मैं कायरा साहब से पूछूं कि जो पिछले आपको पूरा टेन्योर मिला डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में पहली दफा 18वीं तरमीम से लेकर अब तक, या अभी आप 9वां साल आपका सिंध में जा रहा है, तो सिंध वाले आपसे पूछें यही क्वेश्चन आपके सामने रखे एमक्यूएम वाले और कीता की हो, तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इस इन जो आज आपने बोला कि हाँ मुझे ये सवाल अब उठेगा में भी सिंध में भी। मैं ये सवाल करना, मेरा सवाल ये है कि ये सवाल तो पूरी जनता का है, हुक्मरान इलीट से, खा वो किसी ना किसी हवाले से पिछले ईरा में रहा हूं या मौजूदा में हूं। अभी तक पाकिस्तान में जितने भी पोलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम की है वो सारी सारी इकतदार में, इमरान खान हो, पीपल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, बाकी ग्रुप हो या मुस्लिम लीग नून बजात खुद हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये सवाल कोई इतना मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो ये मुंह लोगों को चढ़ा रहा है कि भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी स्लोगन्स है। हाँ बात सोचने की ये है कि हमारी जमहूरियत को जो एक मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, एक अच्छा सफर तय कर रही है, उसने जमहूरी इदारों को क्या, उनके लिए क्या किया, ये सबसे वजनी सवाल है। फिर जो अहम बात यह है कि आपने जो सीपैक बनने जा रहा है इस पर अपनी अवाम के लिए कितने मफादात ले रखे हैं या आप लेने के लिए जा रहे हैं। और तीसरे जो अहम इशू है कि जो पाकिस्तान में टेररिज्म की जो एक वेव चली थी उसका काउंटर नरेटिव नया बयानिया जो है ना वो क्या है, क्या जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इस मैच्योरिटी को उसमें कैच कराने के लिए तैयार हैं, क्या एक ऐसा माइंडसेट अपनी कौम को देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसा या मीडिया के जैसे बाकी स्टेक होल्डर का इतना प्रेशर सोसाइटीज में नहीं होता जितना कि हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का किरदार होता है और सियासतदानों का। मैं ये समझता हूँ कि एक कौम की तकदीर बदलने में, एक कौम की तकदीर बदलने में एक इकतदार ही काफी होता है। ठीक, अब तो हमारी पार्टी दो दो इन बड़ी पार्टी को दो दो तीन इकतदार मिल चुके हैं, लिहाजा वो जो आवाज क्वेश्चन उठाया था तो कीता की हूं, तो ये सवाल तो भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कीता की। अच्छा जी ढिल्लू साहब मुझे ये बताइए कि ये जो सवाल है कायरा साहब का ये इंपॉर्टेंट तो है इस हवाले से कि अब देखें अगर हॉस्पिटल्स का हाल देखा जाए पंजाब में या अगर दीगर तालीमी मामला देखे जाएं एजुकेशन के हवाले से देखा जाए
तो गरीब आदमी के रोजगार के हवाले से देखा जाए तो उनको कुछ लगता नहीं है कि कुछ उस तरह से मिला है जिस तरह से वादे वईद किए गए थे। तो क्या समझते हैं चार साल गुजरने के बाद, अगर कायरा साहब पूछ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपसे यह सवाल करने पर मजबूर हो गई है कि कीता क्यों, तो वो लम्हा फिक्रिया नहीं है आपके लिए? बहुत शुक्रिया जी, पहले तो मैं आपका मशकूर हूं, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो यह कि आपने कहा कि सब गरज रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कायरा साहब का जवाब चाहिए, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में है, इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई भी गवर्नमेंट में है, और इस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएम भी गवर्नमेंट में है। मुआवजा तो वाम ने करना है और फैसला भी वाम ने देना है। 2018 आ रहा है और जो जो कुछ किसी ने बोया होगा वो काटेगा। आप कहते हैं कि तालीमी मैदान में कुछ नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि तालीमी मैदान में बहुत कुछ हुआ है। मुआवजा करें ना आप बाकी सूबों से कि आपके पंजाब में तालीमी निजाम कितना पहले से बेहतर हुआ है और दूसरे सूबों में उसके बरक्स क्या पोजिशन है। इसके साथ साथ आप ये समझते हैं कि भी यहां पर रोजगार तो आप ये देखें कि जिस मुल्क का 70 साल में जिस मुल्क को गिद्ध की तरह निचोड़ा हो, जिस मुल्क के टुकड़े करने की साजिशें की गई हों, जिस मुल्क में बिजली गैस भी ना हो, उस मुल्क को 2013 में 3 सालों या 4 सालों में लेकर चलना, आज बिजली के हालात ठीक करना, आज कराची के हालात ठीक करना, आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपना काविशें करना, ये तो पाकिस्तान की बातें हैं जो हम कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बात करेंगे, किसी की जात की बात नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज पॉलिटिक्स में एक बड़ी अजीब सी तब्दीली आई है। वो लोग जो गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में खेलते और पढ़ते रहे हैं, वो लोग जो बाहर की दुनिया में आते जाते रहे हैं, आज वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी पुरतशद्दत गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू में उनका कोई अच्छा रवैया नहीं होता। लेकिन आज भी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने जलसों में उसका बड़े सबर और तहमल से जवाब देते हैं, और इंशाल्लाह ताला। रज़ाक साहब, एक बड़ी अहम बात है यहाँ पे। अब देखें, मैंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये देखा है कि आपकी पार्टी पे तो ये इल्जाम लगता था कि कोई झुकाव आपका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या अस्करी इदारों की तरफ, या आप उनकी बात करते थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लगता था, ज़ियाउल हक़ की बाकियात कहा जाता था। लेकिन आज एतजाज एहसन साहब के मुंह से, कायरा साहब के मुंह से और दीगर और चौधरी मंजूर साहब के मुंह से जो अल्फाज डॉन लीग्स के बारे में हैं, वो खुर्शीद शाह साहब के हवाले से, वो एक बड़ा मुझे तो ये लम्हा फिक्रिया लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर रही है डॉन लीग्स के हवाले से। देखिए, ये तो हमारे पहले भी एक सीनियर साथी कह चुके हैं कि ये क्यामत की निशानी है। मतलब कि जो जमात खुद सर से पांव तक करप्शन का शिकार हुई हो, और जिस जमात ने अपनी मकबूलियत खो दी हो, और जिस जमात में उसके वर्कर उसको छोड़ के जा चुके हों, उसका अपनी क्यादत में एतमाद ना रहा हो और रोटी कपड़ा और मकान का नारा पुराना हो चुका हो, आज वो लोग इस किस्म की कोशिश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि इलेक्शन आ रहा है। अब उन्होंने फिर लोगों को चकमा देने की कोशिश करनी है। अब लोग बातों से नहीं, अब लोग काम से मुतासर होंगे। हम समझते हैं कि इन 3-4 सालों में पाकिस्तान लेवल पे हमने जिस तरह इस मुल्क की खिदमत की, गो के हमारी सबका दरबार की खिदमत जो है उसको भी बड़ी मुश्किल से 2-2.5 साल निकालने के लिए हमें टाइम दिया गया, लेकिन टाइम मिला है इंशाल्लाह ताला, टाइम मिल रहा है, और पाकिस्तान के माशी मसाइल हल करने हैं। ठीक। कुछ ताकतें ऐसी हैं, गैर मुल्की ताकतें हैं जो हमें चीजों को मुकम्मल तौर पर इस पे अबूर हासिल करने के लिए कोशिश मुकम्मल नहीं करके देखना चाहती, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम पाकिस्तानी हैं, हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की प्रॉपरली खिदमत करेंगे, ये हमारा फैसला है। पॉलिटिक्स में लूज बॉल पर हमेशा जो अपोनेंट होता है वो शॉट, अच्छी शॉट खेलता है। ठीक है। तो जब आपको याद होगा मेमोगेट स्कैंडल आया था, तो नवाज शरीफ साहब खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। अब पीपल पार्टी वाले से बहुत सारे हल्के और उनके अपने लोग सवाल करते हैं। सिर्फ ये बताइए कि एतजाज, मुझे इस पर कोई मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अवाम पूछते हैं, अवामी सवाल है ये कि
मरियम नवाज की ट्वीट और आईएसपीआर की ट्वीट का मवाजना किस तरह किया जा सकता है? अगर तो वजीर आजम खुद ट्वीट कर रहे हो तो फिर तो बंदा मवाजना कर सकता है। एक हकूमत में उसका ओहदा नहीं है, कोई मामलात नहीं है, वो तर्जमानी करती है प्राइम मिनिस्टर की, मोहतरमा मरियम नवाज, उनको कैसे बैलेंस अप कर सकते हैं आईएसपीआर की ट्वीट के साथ? मुझे जरा ये बताएं, इसको समझ नहीं आया। देखिए उसमें हमें जो कुछ रियलिटीज है उनको जरूर डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है जी। आईएसपीआर भी हमारा ही डिपार्टमेंट है, किसी रॉ का या किसी और एजेंसी का तो नहीं है ना, हम ये नहीं कहते। देखिये कुछ हकूमत और हमारे जो एसक्री क्यादत है उनके साथ एक कमिटमेंट हुई थी, कमिटमेंट ये हुई थी कि उस जो रिपोर्ट जीआईटी की बनी थी उसका जो पैरा 18 है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक जो वजीर दाखिला आप इन मेरे भाई की हुकूमत के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब जब वो फवाद सरफराज साहब ने नोटिफाई किया तो वो जो कमिटमेंट थी वो नजर नहीं आई, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन लोगों को पिनलाइज भी करना था, कुछ लोगों को। सर मेरा सवाल सिर्फ पे है, मैं ये चाहता हूं कि जो इदारा है, मैं आपको बता रहा हूं वो एहतजाज क्यों, देखिए मंजर आम पे एहतजाज। अब दूसरी बात यह है कि देखिए मरियम नवाज शरीफ साहब कोई रियासत की या हुकूमत की स्पोक्स पर्सन नहीं है। इसलिए लोग समझते हैं कि उनका जो ट्वीट आना, जैसे जिंदाल की मीटिंग पे उनका आया तो वहां पे हम ये समझते हैं जो विजनरी लोग हैं कि वहां पर जो हमारे वजारत खारजा का जो स्पोक्स पर्सन उनका आना चाहिए था, या तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फैमिली मीटिंग नहीं थी ना, एक इंडियन ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खुद कह दिया, इंडियन ने खुद कह दिया है कि जिंदाल प्राइम मिनिस्टर का मैसेज लाया था, ये जो ना बैक रोड डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर मैसेज लाए भी थे तो आपको कौम के साथ शेयर करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इदारों को ट्वीट के जरिए अपनी लैंग्वेज अपने मैसेज कन्वे नहीं करना चाहिए, ये कोई डिप्लोमेसी में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। लेकिन जो आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात की तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी चूंकि खुद एक माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड रखती थी तो उसको अगर नुक्ता नजर को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी को फिर तो मौजूदा हुकूमत के स्टैंड के साथ खड़े होना। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान में इससे पहले भी हमने पाकिस्तान को सबका तकलीफ में नुकसान पहुंचाया। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो आप ही के पास आऊंगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा, चलो मैं अभी ज्वाइन किया है हमें मोहम्मद मदनी साहब ने, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू माय शो मदनी साहब, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और ब्रेक के बाद अपने मेहमान ग्रामी जो हैं उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात हम कर रहे हैं आज की जो एहतजाजी सियासत है इसके हवाले से और दीगर जो मामलात हैं अवामी मामलात, मुझे वो पसे पुछ चले गए। आज पीपल्स पार्टी ने अवामी मामला उठाया है लोड शेडिंग के हवाले से, तो इसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए और यकीनन मुस्लिम लीग नवाज को ये बुरा नहीं मनाना चाहिए। ये अवामी इशू है और अवाम को पानी का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, एजुकेशन का मसला होगा या रोजगार का मसला होगा, जो पार्टी उनके मसाइल को उजागर करेगी यकीनन उसकी एक अहमियत है, उसका एक वजन है, वेटेज है। मैं चाहता हूं कि ढिल्लों साहब अपनी बात मुकम्मल करें तो मैं फिर मदनी साहब की तरफ चलता हूं। जी आप कह रहे थे ट्वीट के मुतालिक, तो मैं समझता हूं कि इससे पहले हम इस मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं। ठीक, आप इदारों को ट्वीट की बजाय इंटरनल मीटिंग्स करनी चाहिए। हाँ, इससे बहुत बेहतर नतीजे निकले और यही होना, यही होना चाहिए। मैं एक चीज और ऐड कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, देखिए वो ये है कि ये जो मौजूदा पाक फौज है ना, इसने पाकिस्तान की जंग लड़ी है। देखें वो लोग जो ये कह रहे थे और अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे कि हम पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे और युवानों में हम बैठे होंगे, हम बड़े बड़े दाड़ियों वाले फैसले करेंगे, तो पाक फौज के जवानों ने हजारों की तादाद में, हमारे सिविलियन ने भी, ठीक है, कुर्बानी देकर, अब फौज कहती है कि अगर 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 इंडियन ये कहें कि पाकिस्तान आर्मी एक रोग आर्मी है और उनकी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी अपनी क्यादत के नहीं है, अगर वो प्रोपेगंडा करें और हमारा फॉरन ऑफिस उसको रिस्पॉन्स ना करे तो हमारे जो जवान शहीद है उनकी फैमिली हमसे क्वेश्चन करती है। आपको इजाजत लेना पड़ती है मादरत के साथ, उसमें तो देखिए कोई शक है तो हम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप डायरेक्शन दुरुस्त है, आप अपने ताई करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग के खिलाफ बात कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस कर रही है,
मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि सब हुकूमत में है और खायरा साहब पूछ रहे हैं कीता किए। अब जो है केपीके में भी ये सवाल उठेगा, सिंध में भी ये सवाल उठेगा। मैं आपकी तरफ आता हूं कि मद्दी साहब, जब आपकी तरफ ये सवाल आएगा तो इसका जवाब क्या होगा? जी शुक्रिया आपका। मैं एक जनाजा उठाने की वजह से लेट हो गया, माजरत उसकी। और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग जो है 30 सालों से पाकिस्तान का अल्लाह रहम करे जनाजा उठाने में मसरूफ है, और ये एक अफसोसनाक वाकई क्यामत की निशानी है कि जो पार्टियां 30 साल से तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और उन्होंने पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए भूख, अफलास और मजबूरियां और तकलीफें छोड़ी हैं और उनकी पाकिस्तान की कीमत पे याशी की है, अपने बैंक बैलेंसेस बनाए हैं, वो बार बार एक दूसरे को और कौम को जो है बेवकूफ बनाने के लिए। अच्छा, नहीं मदी साहब देखे ना, इस तरह आप फुटेज में भी देख सकते हैं, आप एहतजाजी जलसे कर रहे हैं, वजीर आजम इफ्तिताह पे इफ्तिताह किए जा रहे हैं, कभी मोटरवेज का वो विजिट कर रहे हैं, कभी कोई वापदा का वो सिलसिला कर रहे हैं, कभी पावर हाउस का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शायद कहते हैं फिक्र खाए जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को कि हम तरक्याती काम करते जा रहे हैं। ऐसे ही ये मैं तस्लीम करता हूं कि वजीर आजम या बराए नाम वजीर आजम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। आपकी बात ठीक है, वो इतने आगे चले गए हैं कि कोल पावर प्रोजेक्ट, कल मैं मुल्तान से वापस आते हुए देख रहा था, वहां पर वो बंद पड़ा था। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पहले चलाया, वो भी बंद हो गया, उसके बाद वो गैस के ऊपर फ्लॉप कर गया प्रोग्राम, उसके बाद डीजल से पोल्यूशन का तबाह बर्बाद कर दिया। अब कोल का जो है वो चाइना, जिससे हमने कॉपी पेस्ट किया वो प्रोजेक्ट, अब वो चाइना पूरे बंद कर रहे हैं अपने पोल्यूशन की वजह से। इतने आगे चले गए हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो एमएलएज हैं वो कई रेंटल पावर की वजह से या कुछ और वजह से 5-7 बड़े जो हमारे मुर्गे हैं ये नून लीग के, वो उनका इन्वेस्टमेंट है बिजली के अंदर, इस वजह से डबल कीमत पर बिजली मौजूद है। गवर्नमेंट उसमें से भी हर प्रोजेक्ट की तरह खांचे खाती है। कौम के लिए 16 घंटे की लोड शेडिंग है और आप देख लें, इमरान खान साहब ने थोड़ा सा उनको ऊपर चढ़े हैं, प्रेशर बनाया है, तो उसकी वजह से अब लाहौर में कदरे कम लोड शेडिंग हो गई है, मगर इसके बावजूद पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग, लॉलेसनेस और बदमनी और पहले से भी ज्यादा तकलीफ में है। आज हमारा किसान आप देख लीजिए, हमारा मजदूर पहले से ज्यादा तकलीफ में है, ज्यादा मजबूरी में है। तो ये ज्यादा वाकई आगे निकल गए, ये हद से आगे निकल गए, अल्लाह के कहर को हाथ डाल रहे हैं। बिल्कुल मैं इत्तफाक कर रहा हूं, ये बहुत आगे निकल गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जरा ये भी बताएं कि अगर आप एड्रेस करते हैं इन मामलात को, जैसे करप्शन का मामला है, अगर शुरू से आप एहतजाजी सियासत की बजाय इन इश्यूज के ऊपर टेकअप करते, जैसे नंदीपुर प्रोजेक्ट है या ये जो मेट्रो बनाई है या इनके अंदर जो फ्लॉज हुए हैं या इनके अंदर जो करप्शन की बात आप करते हैं, ये तो मौके पे मौजूद थी, इसके सबूत भी आपके लिए लाने आसान थे। आपने जाके पनामा को पकड़ लिया है, अब पता नहीं उसका फैसला आता है क्या आता है, यहां से कोई करप्शन ऐसी आप अदालत में लेके नहीं जा। आपका बड़ा तजिया है, आपका बड़ा तजर्बा है, चैनल आपका भी बहुत अच्छा है। आप देखिए कि हर 20 साल से हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, हर जो बड़ा स्कैंडल है या छोटा अवामी जो इशू है उसके ऊपर बात की जाए, चाहे वो हमारी पाक फौज का तकद्दस हो, हम उस हर इशू पे 20 साल से इमरान खान साहब का क्रेडिट है, वो हर जगह पर अवाम के दिल की आवाज उठाते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा स्कैंडल यह है कौम का पैसा खाना। इमरान खान साहब ने जो अल्लाह की तरफ से, वो एक अरसे से वो इस बात पर एहतजाज कर रहे थे, वो चाहे वो उनके फ्लैट्स हो या दूसरे हो, वो एहतजाज करते, उस वक्त वो कहते हैं ये दीवाना है और वहां पर हमारा तो तल्लुक ही कोई नहीं है उन फ्लैट से या बाकी चीजों पे। आज अल्लाह की तरफ से वो पनामा निकला और उसके बाद इमरान खान साहब का क्रेडिट है, तहरीक इंसाफ का ये उनको जाता है सिरा उसके सिर कि उन्होंने इतनी इसको खींचा, इतनी जबरदस्त तरीके से खड़े रहे बावजूद इसके कि इनको हर तरह की ऑफर्स हुई इमरान खान साहब को, उसके बावजूद अवाम के लिए खड़े रहे, इन इन चोरों को नंगा किया पहली दफा कि ये जवाब दिए। आपके खिलाफ जो पिटीशन गई है हनीफ अब्बासी की, क्या जिस तरह से इमरान खान कहते थे कि मेरे लिए भी वही टीओआर बनाएं जो नवाज शरीफ के लिए बनाएं, तो क्या उन्हीं सवाल, हमने तो देखा टीओआर बन गए पनामा के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए,
क्या उन्हीं टीओआरस पे आप राजी हो जाएंगे या कहेंगे या चैलेंज अब्बासी साहब सुन नहीं सकती अदालत? हनीफ अब्बासी साहब अच्छे जूते पॉलिश कर रहे हैं मियां साहिबान के। दूसरी बात यह है, इमरान खान साहब ने उनका सारा कुछ कौम के सामने है, उन्होंने 20 साल इसे आसपास बाहर कमाया और वो पाकिस्तान में लेके आए, हर चीज उनकी डिक्लेयर्ड है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था। अगर इन लोगों को जिस तरह से इमरान खान साहब इस माफिया को पाकिस्तान की रगों से खून छोड़ने वालों की गिरेबान को हाथ डालना है, ये 70 साल में पहली दफा हुआ है ये किसी लीडर ने ये काम किया है, नहीं तो ये आपस में एक दूसरे को मिलजुल के खा जाते हैं। और आप भी पेश होंगे अदालत में? देखिए, वो तो इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि हम हर तरह से हर एक को अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको एक अर्ज करूं, इतनी बड़ी ये जो है इससे ज्यादा कोई हो सकती है पाकिस्तान के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए, कि आपकी पाक फौज के ऊपर वो काम किया जाए जो कि हर तरह की कुर्बानी देती है। इसका फौजी आप रात को जागता है तो हम लोग नींद चैन की सो सकते हैं, कुर्बानियां देते हैं अपने अजाओं की, अपनी जानों की कुर्बानियां। वो इशू हम पे गंद उछाले जो कि मोदी उछाले, इनके लोग दंदलाते हुए आके लाहौर इस्लामाबाद की जो मरी में सैरें करें जाके, और हम लोग जो है बैठ के तमाशा देखें। जिंदाल वाला इशू है, इसकी जो आप क्या देखते हैं आने वाली सियासत में? एक तो आप लोग कहते हैं जी इंडिया के साथ बातचीत होनी चाहिए, इंडिया के साथ बैकडोर चैनल इस्तेमाल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि जी जो मैं समझता हूं मेरे नजदीक कम से कम इशू जो कश्मीर वाला है ये जब तक हल ना हो या इसको आप ट्रैक पे ना लेके आए या मजालम इंडिया के बंद ना करवाएं तो उनसे बातचीत का कोई मकसद नहीं बनता नहीं है, कोई ना कोई बिजनेस का बनता है। जी अब्दुल्ला मलिक साहब, आपकी क्या है? ये जो सब्जेक्ट है बड़ा क्रिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा जो दो डेमोक्रेटिक रियासतें होती हैं वो अपने नुमाइंदों के जरिए या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अपने तल्लुकात को दोस्ती के लिए या डायलॉग के लिए यूज करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। नंबर वन, पहली बात यह है कि जब जिंदाल साहब तशरीफ लाए थे तो प्राइम मिनिस्टर को उनके जो मकसद था अपनी कौम के साथ शेयर करना चाहिए था। नंबर टू, हमारी मसलाबाज समझती हैं कि चूंकि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारे मुल्क में कुलभूषण उसकी सूरत में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, कराची के हालात में या पूरे पंजाब में या केपी के में, तो इस इन एरियाज को एड्रेस करने से पहले हमें ऑन बोर्ड किया जाए, क्योंकि हम इस एरिया में मुल्क के डिफेंस को बेहतर समझते हैं। तो ये कोई बात का तलब करना कोई अपनी हुकूमत से या पूछना शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत के और हमारे अपने ही इदारों के इस नुक्ते पे इख्तलाफात जरूर मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारा कंसेंस होना चाहिए, पूरी कौम को होना चाहिए, और हमारी को चाहिए जितने भी हमारी एक मिनट हमारी जो जितने भी पॉलिटिकल एलीट है इसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। क्रिटिकल इशू है, ठीक है। अब इसमें क्रिटिकल इशू क्या है कि कश्मीरी जब जनाजा पाते हैं तो उस जनाजे पे झंडा किसको होता है? पाकिस्तान का। जब कश्मीरी मरता है, और मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं, गो के हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि पड़ोसियों के साथ बेहतर तल्लुकात, लेकिन बेहतर तल्लुकात इक्वालिटी की बुनियाद पर। हम डिमांड क्या करते हैं, ठीक, कि कश्मीर में कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दे, कोई बुरी बात नहीं है। और हम कहते हैं किस बुनियाद पे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादे हैं उनकी रोशनी में और हम उनकी इखलाकी मदद करते हैं। आज कश्मीरी अगर लड़ रहे हैं तो जाहिर है अगर आप उनके बच्चे मारेंगे तो क्या वो खरबोश बैठे रहेंगे? वो इंडियन फोर्सेस पे हमले करेंगे जैसा कि उन्होंने किया है अभी जो अच्छा जवाब देना। मैं आपको एक ऐड कर दूं, देखिए ये इस वजह से ये बैकडोर डिप्लोमेसी वो अपनी जगह एक अलग बात है। आप अगर नवाज शरीफ अपने आप को कश्मीरी कहते हैं ना, मैं भी कश्मीरी हूं, ये तब पता चलता, उस दर्द का एहसास कश्मीरियों का तब होता जबकि मरियम नवाज की आंखों में छले लगे होते, जब हमजा शहबाज को गोलियों से छलनी किया हो गया तब उस दर्द का अंदाजा होता है वो किस और वापस आके ढिल्लू साहब से इन दोनों के सवाल जो है उनका जवाब लेते हैं जो हमारे आज के इश्यूज हैं उनके ऊपर, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन ढिल्लों साहब, दोनों हमारे दोस्तों ने एक और सवाल ऐड कर लिया। मैं सिर्फ एक ऐड चीज करना चाहूँ, देखिए मैं एनालिस्ट हूँ ना, मैं किसी पासी पार्टी की कोई वो नहीं करूंगा। ठीक, मैं आपको एक फेयर बात बताऊं जो हमने एनालाइज किया अपने पॉलिटिक्स की स्टूडेंट लाइफ में, कि हमारी सियासी जमातें फौज को बुरा भी कहती हैं और हर सूरत में अपनी मुखालिफ हुकूमत गिराने में कहते हैं कि फौज का अम्ब्रेला आए, फौज उठा के बाहर फेंके और अगली जब हम आए तो हम फिर फौज को बुरा, ऐसा भी चलेगा? देखिए, या तो आप कहें कि इस रियासत में फौज भी हिस्सेदार है इकतदार में, या ये चीज मान लें, या फौज से ये किरदार हमेशा के लिए खत्म करवा दें, लेकिन फौज को मिस यूज न करें। तो जो आजकल हम कह रहे हैं तो फौज आए, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, बहुत सारे हमारे मीडिया के लोग कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी ये नहीं है, मैच्योरिटी ये है कि फौज को उसके जहां पे है उसको उसका एहतराम देना चाहिए और जो पॉलिटिशियन है वो अपनी सियासत। मेरा ये ख्याल है कि आज मैं ये बात बड़ी क्लियर सी कहना चाह रहा हूँ कि हम जो मीडिया पे बैठकर खास तौर पे अदलिया और फौज को डिस्कस करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे बड़े इंडिपेंडेंट इदारे हैं, इनके मामलात यही बेहतर समझ सकते हैं। हम बड़ा जुल्म करते हैं अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि हम जहां जी चाहे जिसका जी चाहे वहां पे वो उसको डिस्कस करता है, इस पर बकायदा कुछ पाबंदी लगनी चाहिए और हमें अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैटिंग कर रहे हैं, इमरान खान फील्डिंग कर रहे हैं, हम चौके भी लगाएंगे छक्के भी लगाएंगे, हमने पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है, हम इसको खिलाते रहेंगे और खुद खेलते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला लंबी बारी आपको ये बता रहा हूं कि इंशाल्लाह 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क में फातिहा होगी, इसलिए कि हम पॉजिटिव लोग हैं। नहीं, लेकिन ये बुराई नहीं करते किसी रहे हैं। सिर्फ इस बात का मुआवजा जवाब दे रहे हैं। जी जी जी, चले अल्लाह करे आप हुकूमत करते रहे जी इंशाल्लाह, लेकिन ये अवाम के लिए किया क्या है जो कायरा साहब कहने ने किया की है? जी, मैं कायरा साहब को कह रहे हैं जिन्होंने उन्होंने जो बड़ा गलत किया असि वो ठीक किया। ठीक है, असल असल में ये है क्यों नहीं बड़ा में यहाँ पर आए रले, दहशत गर्दी थी यहाँ पर, मुल्क में बिजली नहीं थी, यहाँ पर माशी हालात तबाह हो चुके थे, यहाँ पर कराची के हालात तबाह हो चुके थे, यहाँ पर वो देखे कि बलोच क्या कर रहा था पीपल्स पार्टी के लिए और कराची की ताकतें किस तरह वहां के हाथ में खेल रही थी, ये किया हमने। ठीक, हमने उनको तबाह किया, आपने उनके प्रेशर के आपने बात कर ली, मुझे मौका दी, हमने उन लोगों को क्रश किया है जो पाकिस्तान के नेगेटिव लोग थे। ठीक, पाक फौज हमारे लिए बड़ा काबिले एहतराम दार है, मैं ये कहता हूं कि ये इश्यूज हमें मीडिया पे डिस्कस नहीं करने चाहिए, हमने जो बोला वो काटना है। हमारे साथ कंप्लेन करो इमरान खान, हमारे साथ कंप्लेन करो इमरान खान, उसने सरहद पे क्या किया है पंजाब में? देखिए मैं बताता हूँ पॉलिसी, मुझे मैं बताता हूँ क्या किया है, आपने क्या किया, हमने क्या किया, बताता हूँ। जितनी बदतमीजी जिस किस्म की भी इस्तेमाल करें अपनी गुफ्तगु में, इंशाल्लाह ताला सरहद में अगली दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनका शमसी साहब ने आखिरी बात देखिए, जमहूरियत में अवाम का अपनी हुकूमत से सवाल उठाना कि आपने हमारे लिए क्या कोई बुरी चीज नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बेचारे को क्या उठाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप भी ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं और वर्कर जितने भी हैं जो बुनियादी तौर पर बुनियाद से आए हैं वो सारे काबिल एहतराम, उन्होंने बड़ी मारें खाई। मुझे ये बताइए कि वो मुशर्रफ तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर क्या तब्दीली लाएगा जिसके होते हुए बलूचिस्तान वाले वहां अलहदगी की तहरीक चल रही थी, केपीके में हालात खराब थे, दहशतगर्द बम बांध के गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे थे, वो तब्दीली लाएगा परवेज मुशर्रफ? आपकी तरफ से जवाब नहीं आया उनको परवेज मुशर्रफ साहब को कोई? लंदन में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको एक अर्ज करूं, पिछले इलेक्शन में भी परवेज मुशर्रफ जो है एक बड़ी कोशिश करते थे कि वो किसी तरह पीटीआई के साथ जुड़ जाए, मगर ये क़यादत ने इस तरह नहीं किया। देखें वो बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान से अब मेरे ख्याल है उनका लेना देना ना होने के बराबर है।
मगर आप देख लीजिए ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है पाकिस्तान को। वजह यह है कि जब आपकी इनकम्पिटेंट लीडरशिप जो है करप्शन का बाजार गर्म कर देती है तो या तो किसी को चुप करके बैठ के बेहस बनना पड़ता है या फिर इंटरवीन करना पड़ता है, तो उन्होंने वो ही किया। अगर आप मुशर्रफ को कसूरवार समझते हैं उससे बड़ा नवाज शरीफ है जिन्होंने उसके बाद भी कुछ नहीं सीखा दोबारा बनना। अगर सिर्फ इतना मुझे बताएं कि मैं दूसरी बात कर रहा हूं थोड़ा क्योंकि टाइम कम है, मैं उधर आना चाहता हूं, मुझे यह बताएं कि क्या आपको लगता है कि जरदारी परवेज मुशर्रफ के बाद जरदारी साहब आए, जरदारी साहब के बाद नवाज शरीफ साहब आए, ये नवाज शरीफ साहब का जो चार साल का दौर है उसमें कुछ पाकिस्तान में बेहतरी आई है कि नहीं आई? पीटीआई क्या समझ? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई आई है, बल्कि हालात खराब हुए हैं। अच्छा। ये इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है, 20 सालों में एक जनमन ऑपोजिशन की वजह से इनको इतना प्रेशर बिल्ट हुआ कि इनको अवाम के लिए ड्रामेबाजी कुछ ना कुछ करना पड़ा, कुछ ना कुछ पैसे निकालने पड़े, कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करनी पड़ी, और जो लीस्ट होने चाहिए थे हमारी प्रायोरिटी उन शोबों के ऊपर बेतहाशा पैसा लगा के हेल्थ एजुकेशन ज़राअत इंडस्ट्री इसको सारी को तबाह बर्बाद किया गया। चाइना आपके साथ है, आज जिसके पीछे लग के हम सीपैक के बंगड़े डाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर आप देखिए वो हमारे बाद आजाद होकर किधर से किधर चला गया। हम आज उसकी हम कह रहे हैं कि बकरा वो खाएगा हड्डियां हम चूस लेंगे, कोई बात नहीं। हमसे 70 सालों में वर्ल्ड डीपेस्ट सीपोर्ट नहीं चल सका, हम फेल्ड जनरेशन है हमारी लीडरशिप जो है, हम कहते हैं कोई बात नहीं हमने किराए पे दे दिया, रशिया लड़के नहीं ले सका हमने वैसे ही उनको कहा आई बिस्मिल्ला, ये बहुत अच्छा बांग्लादेश भी दे दिया। बिल्कुल, बांग्लादेश पहले कहते थे वो सफेद आती है अलग होगा हम तरक्की करेंगे, बाद में पता चला हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश चलेगी, डूब मरना चाहिए ये लीडरशिप को, इनको तो सरेआम लटकाना चाहिए, हम जो है इनको दोबारा से ले आते हैं, कभी तीर उतार लेती है कौम अपने कलेजे में, कभी शेर भूखा छोड़ लेते हैं हम अपने ऊपर को खुदा का अब्दुल्ला मलिक साहब क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि जी ठीक है जज्बातियत है नौजवान जो वर्कर्स हैं उनमें एक बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सर माजरत के साथ, ये पूरी कौन इस वक्त बर्दाश्त है जज्बाती है इस वक्त इन लुटेरों के सामने? देखो मैं एक बड़ी फेर बात हूं, चूंकि मैं तनकीद पे यकीन नहीं रखता, मैं काबिश और कोशिश पे यकीन रखता हूँ, जद्दोजहद पे यकीन रखता हूँ। मेरी नजर में चूंकि मैं सोसाइटी की पल्स पे हाथ रखता हूँ, मेरी नजर में इस वक्त हमारा एक सबसे बड़ा सोसाइटी का अलमी ये है कि हमारी सोसाइटी तशद्दुद की तरफ जा रही है, जिसके खात्मे के लिए मैंने कल एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है, एक कंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि जो ये जो तशद्दुद का कल्चर बढ़ता जा रहा है, इंटॉलरेंट सोसाइटी हो रही है, उसकी वजह क्या? वापस की वजह क्या? देखिए पहली बुनियाद असल में है तो उसकी वजह क्या? पहली बुनियादी वजह यह है कि हम जब कहते हैं कि जो गुर्बत होती है ये तमाम जराइम की जड़ होती है, और ये नंबर वन। नंबर टू, हमारे यहाँ चूंकि टेररिज्म रहा है 2-3 दहाइयों में तो हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश नहीं कर पाई। नंबर थ्री, बहुत सारी कुताहियां हमारे सियासतदानों से हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें एक क्रेडिट भी देता हूं कि इस मुल्क में हमेशा एहतसाब हुआ है सियासतदान का, सबसे ज्यादा गाली पड़ी है सियासतदान को, सियासतदान की बात करूं ना। दूसरी बात यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जनरल, हमारी अदलिया, इनका सब कभी भी नहीं हुआ और हमारी सियासतदान होनी नहीं थे, खुद गाली खा लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर जहां सियासतदान वहां पर ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, जहां अगर जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा तो मेरा जज भी इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे इदारे कहीं ना कहीं आंसरेबल कौन को है, वजह क्यों है? वजह क्यों है? देखिए मेरे घर अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अगर सबको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मेरे घर में अगर मेरे घर में भूख है तो मैं हुक्मराना सवाल करूंगा, मेरे बच्चे को दवाई नहीं मिलेगी मैं हुक्मराना सवाल करूंगा, मेरे बच्चे के लिए अच्छी तालीम नहीं है तो हुक्मराना सवाल करूंगा। आप मेरा बिजनेस क्या करेंगे गरीब? लेकिन जो सबसे हमारे यहाँ ये चीज सराहित करती जा रही है कि जब हम आपस में टकराव की सूरत में जाते हैं सोसाइटियां टूटती हैं, बजाय एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के, बजाय एक दूसरे का दर्द बांटने के, बजाय एक दूसरे का दुख दर्द जो है उसको तकसीम करने से, मोहब्बतें बांटने से, हम एक दूसरे पे मुनकसिम होके अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के तो एक दूसरे पे पुरतशद्दुद है, अगर हाथ से निकल रहे हैं तो जुबान कर रहे हैं, जो साहब ये हुकूमतों का काम होता है कि नहीं आप इनको जोड़ के रखें, आप ये पुरतशद्दुद सियासत खत्म करवाएं, आप लोगों के हकूक उनकी दहलीज पे दें, इंसाफ मुहैया करें। अब पीपल्स पार्टी भी तंग आमद बजंग आमद आपके खिलाफ एहतजाज, एक अहम बात कर लू बड़ा वो मिस हो गई है, देखें बात सुने पूरी आपके दोस्त होने का फायदा उठा रहे हैं, मेरा भी सोच है, ये बड़ी अहम बात है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है, हमारे 50 बच्चों को
इंडियन ने वापस भैया कोई अभी इनको प्रॉपरली आपने अभी इनको प्रॉपरली वादा नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में खाना जंगी हो रही है और खाना जंगी उन ममालिक में हो और लड़वाया जा रहा है और उसको लड़वाया जा रहा है। सेम मैं ये समझता हूँ कि यही पोजीशन पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है और प्रॉपरली यहूदी लाबी इमरान खान को इसमें प्रोजेक्ट कर रही है। देखिए इमरान खान आप बोलते हैं अगर यहूदी लॉबी आपको यहूदियों में पाल रहे हैं वो पाकिस्तान की क्या हिफाजत करेगा जिसके बच्चे यहूदियों में पाल रहे हैं और जो जो जाकर यहूदी साले की जाकर कमेंट्स करता है एक पाकिस्तानी के खिलाफ तो उसकी कंप्लेन करता है। तो जब ऐसे ऐसे फैसले वो पाकिस्तान में कुछ करेगा वहां पर कुछ करेगा मैं ये समझता हूं कि ये अब उसकी बदकिस्मती आ चुकी है। ठीक। और ये जो जिस तरह वो चाह रहे हैं ना कि हम शोर शराबे से कुछ कर लेंगे और जिसने चाइना के सदर को धरने से रोका जिसने और नवाज शरीफ जिसने बदतमीजी की सियासत को रोशनाज करवाया कुछ नहीं होगा इससे इंशाल्लाह। मैं इसमें आखिरी बात करना चाहूंगा प्लीज कि अब लोगों ने देखना है कि किसने क्या किया। ठीक है जैसे कारा साहब ने कहा ना कि की किया वे कारा साहब तो कुछ नहीं किया और जिन्हें जिन्हें किया वाम तो सामने आ गए। अच्छा मंत्री साहब बड़ा अफसोसनाक एक पहलू है कि हम उस इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे मुल्क में जमहूरियत बर्दाश्त करेगा। हम वो एलिमेंट क्यों नहीं तलाश करते कि अगर इंडिया को वैसे हम साजिशी कहते हैं क्या हमारी फौज हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान वो अपने लोग नहीं छोड़ता क्या वो लोग छोड़ के दरमियान में फसाद फैलाने की कोशिश नहीं करता एहसानुल्लाह एहसान के पकड़े जाने के बाद ऐसे शवाहद नहीं मिले इसको एड्रेस क्यों नहीं करते आप जलसों में। देखिए बुनियादी बात साफ क्यों नहीं एड्रेस मेरी बात सुन ले पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो हर तरह से पाकिस्तान पे वार करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है जब आपका चोर जो है चौकीदार के बजाय वो आपके उनके साथ दुश्मन नहीं आपका चौकीदार चोर नहीं है। नहीं मैं आपके चौकीदार बड़े ताकतवर हैं। मेरी अर्ज सुने मेरी अर्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बहुत आपका असूली तौर पर सबसे बड़ा चौकीदार वजीर आजम होता है जो कि डिक्लेयर्ड चोर है वो अंदर भी शरारत करता है बाहर वाले मुजरिमों के साथ भी मिलकर करता है और बाकी तो बेचारे के सारे के साथ रगड़े जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का हर तरह से पाकिस्तान मालामाल है। अगर इसके अंदर अगर 70 सालों से भूख नंग और अफलास नाच रहा है ना ये अक्वामे आलम में सुपर पावर की लाइन में खड़ा हो सकता था। वजह सबसे बड़ी ये है इनटॉलरेंस लॉलेसनेस और सारे कुछ की फसाद की जड़ आपकी रूलिंग माफिया है। इनका जब तक एहतसाब नहीं होगा जिस तरह के इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की है तब तक पाकिस्तान कभी भी नहीं ठीक होगा। आप तारीख देख लीजिए अक्वामे आलम वो सफाई हस्ती से मिट गई जो कि अपने बड़ों का एहतसाब नहीं करती। अब्दुल्ला मलिक साहब जनाब मोहतरम ढिल्लों साहब जनाब मोहतरम मदनी साहब बहुत अच्छी बातें की यकीनन हमने अवामी इश्यूज को एड्रेस किया लेकिन एक बात बड़ी अजीब है इस पे मैं बात करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाती कि ये जिसको हम करप्शन का पैसा कहते हैं ना ब्लैक मनी वही IMF की नजर में नहीं आया। अगर वो आ जाता तो रिकॉर्ड टूट जाते और पाकिस्तान की हर चीज उनके सामने चली जाती जिस तरह से एटम बम हमने छुपा के रखा हुआ था बनाया इसी तरह ब्लैक मनी जो है वो इकोनॉमी है अगर वो इकोनॉमी किसी वजह से खत्म हो गई तो मुझे नहीं पता अंजाम क्या होगा वो इमरान खान जाने नवाज शरीफ जाने। मैं आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करता हूं मैं कोशिश करूंगा कल के प्रोग्राम में इस पे बात करूं। जवाब शमसी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।